तो BSES दिल्ली की बिजली कंपनी ने झटका दिया है केजरीवाल सरकार को, जिनके खिलाफ ऑडिट किया जा रहा है। लगता है ऑडिट होते होते ये कंपनियों ने सोचा कि दिल्ली सरकार को बता दिया जाए कि उनके पास पैसे ही नहीं, ये वो पैसे ज्यादा नहीं ले रहे। और BSES ने एक चिट्ठी लिखी है केजरीवाल सरकार को और कहा है कि कंपनी की माली हालत जो है वो ठीक नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है बिजली खरीदने के लिए, बाकी राज्यों से जो बिजली खरीद कर दिल्ली में सप्लाई किया जाता है उसके लिए उनके पास पैसे नहीं है और 1 फरवरी से उन्हें बिजली काटनी पड़ सकती है, कटौती होगी, लोड शेडिंग होगी, खासकर दिल्ली के पूर्वी इलाके में, ईस्ट दिल्ली में ज्यादा कटौती का असर पड़ सकता है। कुमार कुणाल इस वक्त हमारे साथ है। कुमार, क्या खबर है ये और कितनी गंभीरता से लिया जाए इस खबर को कि भारी कटौती हो सकती है बिजली की दिल्ली में आने वाले दिनों में? देखिए समीप, जो संबंध है दोनों सरकार और प्राइवेट कंपनियों के वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, खासतौर पर CAG ऑडिट के बाद। जैसा आपने बताया कि बहुत ज्यादा खुश नहीं है बिजली कंपनियां, हालांकि पहले भी बिजली कंपनियां अपने फाइनेंसेस का रोना रोती रही हैं कि उनके पास पैसा नहीं होता है बिजली खरीदने के लिए, और इसी वजह से वो ये भी लगातार मांग करती रही है कि बिजली की कीमत बढ़नी चाहिए। अब जब CAG ऑडिट बैठा दी गई है, साथ ही साथ ये दबाव डाला जा रहा है कि 50% कम हो, ऐसे में एक तरीके से बिजली कंपनियों ने आर्म ट्विस्टिंग यानी जो हाथ मरोड़ने की तकनीक जिसको कहते हैं वो अप्लाई है शायद सरकार के साथ। और चिट्ठी लिखा है कि 3 डिस्कॉम है दिल्ली में, उसमें से एक BSES यमुना ने, जो कि पूर्वी दिल्ली और वर्ल्ड सिटी जो पुरानी दिल्ली का इलाका है वहां पर बिजली सप्लाई करती है, उसने ये साफ तौर पे कहा है कि हमारे पास बिजली खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए तकरीबन 500 मेगावाट की कटौती करनी पड़ सकती है। 500 मेगावाट आप इस तरीके से समझे कि इन इलाकों में 1300 मेगावाट हर रोज की डिमांड है, यानी लगभग 1/3 कटौती होगी, यानी 8 से 10 घंटे तक की कटौती हो सकती है, ऐसा कहना है बिजली कंपनी का। क्योंकि उसका यह कहना है कि कोई भी बैंक उनकी खस्ता हाल आर्थिक हालत की वजह से उन्हें पैसा नहीं दे रहा है, लोन नहीं दे रहा है, इसलिए न तो उनके पास अपना पैसा है और ना ही उन्हें कोई लोन मिल रहा है, जिससे वो जहां से बिजली खरीदते हैं जिन कंपनियों से, जैसे NTPC NHPC जैसी कंपनियां जहां से वो बिजली खरीदते हैं उनसे वो बिजली खरीद ही नहीं सकते, इसलिए आगे सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल नहीं होता है। तो मुश्किल घड़ी है, अब देखना ये है कि केजरीवाल सरकार इस पूरे मसले पर किस तरीके से आगे काम करती है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली वालों की परेशानी है, दूसरी तरफ इन कंपनियों का हथकंडा है, तो इनसे कैसे निपटती है यहां पर केजरीवाल सरकार की असली परीक्षा होने वाली है।